बताइए किरण जी, कौन सा स्टॉक? मैंने लिखा है यहाँ पर स्टॉक। अनिल जी आपका गेस में एकदम बराबर होगा, बाटा बाय करने की सलाह है। बाटा ही लिखा। एग्जैक्टली बाटा ही लिखा है, बाटा देख लीजिए। क्योंकि अगला स्टॉक मैं यही पूछने वाला था, अगर आप नहीं होते तो किसी और से पूछता। जी नहीं अनिल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, पिछले तीन दिनों में पॉजिटिव डाइवर्जेंस एक चल रहा था। दूसरी बात है 7% ओपन इंटरेस्ट, जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है मेरा मानना है कि बहुत ही बड़ी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। पहला टारगेट मेरा करीबन 954 का रखना चाहिए और दूसरा रहेगा 964, यानी काफी अच्छी अपसाइड है, और स्टॉप लॉस 930 का रहेगा। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो बाटा पर ये कॉल है 4% ऊपर, 930 स्टॉप लॉस है। और एक बार कुणाल जी, किरण जी, टारगेट वापस बोलना जरा मुझे। 954 पहला, 964 दूसरा, और दोनों ही टारगेट हासिल हो जाने चाहिए। वाह, 900 सोमवार को ये लुढ़का था और उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ाई है और आज वापस ये अच्छी मजबूती दिखा रहा है, 1000 के आसपास अभी कर रहा है ट्रेड। क्या व्यू है आपका? देखिए 1005 का जो कल का टॉप था उसको अगर क्रॉस करता है तो मेरा मानना है कि एक बाय करना चाहिए। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं और नीचे से ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, पर 1005 के ऊपर मैं और कॉन्फिडेंट रहूंगा। मेरा पहला टारगेट करीबन 1022 का रहेगा और उसके बाद ये करीबन नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 11040, तो 1005 के ऊपर जब बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 997 का, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी ये स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इंसेक्टिसाइड इंडिया, इस पर अपनी राय दीजिए, वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी हो रही है और दिन के ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक अब आ चुका है 412 के लेवल्स पर, क्या करना चाहिए अब इन स्तरों पर जिनके पास हो? दीपाली जी ये तो बहुत पीटा हुआ स्टॉक है, 790 से 350 के लेवल्स दिखा दिए इस स्टॉक ने, 370 के लेवल्स, और उसके बाद एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है आज। मेरा मानना है कि बेस्ट केस सिनेरियो में ये बाउंस बैक करीबन 470-500 तक चला जा सकता है, पर उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। अभी जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है या क्रिएट कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस 380 का स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। तो ये रहा है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया पर। यूनाइटेड जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में समय देने के लिए। ये हैशटैग भले ही बुरा है लेकिन हम शेयर अच्छे ही डिस्कस करने वाले हैं, ये तो तय है, तो इसी से शुरुआत कर रहा हूं मैं। और पहला शेयर है वाट एफ वाग, इस शेयर मजबूत है तो फिर वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, कन्विक्शन को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा मजबूत नहीं है तो फिर थोड़ा पीछे हटके हल्के हाथ से सौदे लेंगे। बिल्कुल डीपी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जो चार्ट स्ट्रक्चर है, हम लिस्टिंग के बाद से हम चार्ट देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट, तो लिस्टिंग हाई करीबन 360 का था और इतने सालों के बाद, यानी 8 सालों के बाद अगर लिस्टिंग प्राइस के नीचे चल रहा है तो टेक्निकली बहुत ही वीक काउंटर कहलाता है और बहुत बड़ी सप्लाई इसमें है, तो सप्लाई ओवरपावर करने के लिए डिमांड लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से जब से एक प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी और जो इसका स्टॉक में माहौल बन रहा था, और उसके बावजूद ही अगर स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम करता है तो मेरा कन्विक्शन इस स्टॉक में नहीं रहेगा। पर हालांकि ये इंपॉर्टेंट लोज के करीब आ रहा है, इसके नीचे जाने की संभावना भी नहीं है, तो करीबन 180 से लेके 160 ये एक्युमुलेशन जोन रहेगा। 260 पे ट्रेड कर रहा है, जल्दबाजी में बाय करने की कोशिश ना करे, अगर और भी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिलेगी तो इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदी करना चाहिए। 160-150 का स्टॉप लॉस रहेगा और ये पुल बैक जब आएगा तो मेरा मानना है कि पहले टारगेट्स करीबन 350-360 के देखने को मिलेंगे, जहां पे वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल टेक्निकल दोनों का हम स्वरूप आपके सामने, कैलकुलेशन आपके सामने। जी आपके रिकमेंडेशन क्या होगी वी मार्ट पर? हाँ, इधर एक जिनके पास है उनको तो होल्ड करना चाहिए और जिनके पास नहीं है वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पिछले करीबन 4 स्विंग्स इन्हीं लोस के करीब थे, करीबन 1940 के करीब, और अभी 2020 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको 1940 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाय करके चलना चाहिए। पुल बैक में मेरा मानना है कि ये कम से कम 2350 तक जा सकता है, उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ठीक है, तो दोनों एनालिस्ट का व्यू तो यही है कि अगर होल्ड किया जाए, बीटन डाउन काउंटर है, टेक्निकली ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है, एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। मेरा 40 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और बाउंस बैक में मेरा मानना है कि 50-51 तक ये स्टॉक चल सकता है, इसके ऊपर जाने की उम्मीद अभी तो नहीं है, क्योंकि जो फंसे हुए लोग है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा तो वो बेचने में आ जाएंगे, तो सप्लाई वापिस एक बार देखने को मिल सकता है करीबन 50 के लेवल्स पे टेक्निकली। इस बीच एक और शेयर जी आपका रिकमेंडेशन देंगे, आपके चार्ट से कह रहे हैं इस शेयर के बारे में।
39 पे एक अच्छा सपोर्ट है और उन्हीं लेवल से एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, पर ये जैसे मैं संदीप जी से एकदम सहमत हूँ कि ये सिर्फ बाउंस बैक ही रहेगा, कुछ इसमें चार्ट में कुछ मुझे बहुत बड़ी मूव देखने नहीं मिलेगी। बेस्ट के सिनेरियो 52 53 लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, पर अगर ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो ये स्टॉक करीबन 26 रुपए की ओवर चलता नजर आएगा, तो डाउनसाइड काफी अच्छी है देखने में मिल सकती है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बनाए रहें। ठीक है, स्टॉप लॉस तो आपको रखना होगा, दे सकता है। इस तरह की तेज गिरावट के बाद अमूमन कुछ इस तरह के ही पैटर्न वाले शेयर्स में जिनका बीटा थोड़ा हाई होता है, ये करते क्या है, ये स्लो मूवर बन जाते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, या फिर जितनी तेजी से टूटे हैं उतनी तेजी से ऊपर भी आते हैं? जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है डिम्पी जी, एग्जैक्टली एक साल पहले अगस्त 2017 में इन्होंने इसी लेवल्स के लो किए थे करीबन 545, और वो वापस टेस्ट हो रहा है। अगर एक लो टेस्ट होने के बाद एक अच्छी मूव आती है और वही लेवल्स वापस टेस्ट होते हैं तो एक टाइम करेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए होते हैं। तो मेरा मानना है कि जो बॉटम है 545 का, उसके नीचे यानी 545 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इधर से एक बाउंस बैक मिलेगा करीबन 767-780 तक, और इन लेवल्स पे ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा। अगर ये टाइम वाइज करेक्शन होता है उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है जैसे संदीप जी कह रहे थे, तो एक बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये किरण जी का, किरण जी आप भी भाव से यही कह रहे हैं कि शेयर से दूर रहे, या कहीं कोई अपॉर्चुनिटी छोटे मोटे ट्रेड की है? डिप्पी जी अगर बाद हम वीकली चार्ट देखते हैं तो और सारे बॉटम ज्वाइन करते हैं तो उसकी ट्रेंड लाइन वैल्यू करीबन 29 के करीब आती है। थोड़ी सी एसेंडिंग ट्रेंड लाइन है तो हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम के लिहाज से, पर अभी के लिए वो 29 की वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि 40 से और इधर से और 10 रुपए की गिरावट की गुंजाइश देखने को मिल रही है, तो शायद इन लेवल्स पे अगर इन लेवल्स के करीब आता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। एक बाउंस बैक जो कि करीबन 54 तक जा सकता है, यानी 30 रुपए से बाय करते हैं तो करीबन 54 काफी अच्छी रिटर्न परसेंटेज टर्म्स में देखने को मिल सकती है, तो वो लेवल्स रहेंगे जो जो कि बाय करना है अभी नहीं। ठीक है, इस बीच गोदरेज के लिए होल्ड है, किरण जी आपकी रिकमेंडेशन? होल्ड करके ही चलना चाहिए, बल्कि अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और गिरावट दिखाता है करीबन 420 के लेवल्स के करीब तो और भी ऐड करने की सलाह। ठीक है, ये बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए।